वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं हर्नियास पे। अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हर्निया एक ऐसा बल्ज है जो कि अपनी जगह छोड़ के बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, ठीक है जी। अब वो प्रोट्रूजन जो होती है उसको हम हर्निया कहते हैं। अब उसकी टाइप्स हैं डॉक्टर साहब, उसकी टाइप्स हैं जी, मतलब जिस जगह है उस हिसाब से। इंसेशनल कहीं भी हो सकता है, किसी चीज़ के भी ऑपरेशन हुआ हो पहले, चाहे वो पित्ते का जो जिस जमाने में चीरा लगाए करते थे वहाँ का हो, या सामने जो यूजली बच्चों के पैदा होने के बाद जो किया जाता है उसका हर्निया बन जाता है, सब इंसेशनल हर्नियाज है। ठीक है, जो हाइटल हर्नियाज है वो अंदर का हर्निया है, जो आपके जो 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 लेयर मसल्स की जो आपके सीने को और पेट को अलग अलग करती है, उसमें से डायफ्राम उसमें से पेट ऊपर निकल के चला जाता है, हर्निएट कर जाता है चेस्ट में, तो मुंह में कड़वा पानी आना और सीने में जलन की शिकायत जो अक्सर लोगों को होती है, वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें ज़रा थोड़े से मोटे हों या सडन लॉस, उन्होंने दे हैव लॉस सडन वेट, उससे भी वेट लिफ्टिंग से कितना होता है? वेट लिफ्टिंग से भी हो सकता है जी, बिल्कुल। वेट लिफ्टिंग मतलब जो लोग जिम जाके एकदम से बहुत 20-30 केजी दूसरे तीसरे दिन उठाने लगते हैं उनके साथ होता जी, बिल्कुल हो सकता है। वेट ट्रेनिंग्स में क्या एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जिसके बाद आपको हर्निया ना हो, या ग्रेजुअली बढ़ाना ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए ताकि एकदम ज्यादा वेट ना करें। जैसे सडनली आपने कोई हैवी चीज लिफ्ट कर ली या कोई भारी चीज को धक्का दिया आपने, तो यू फील पॉप अप, यू लिटरली फील इट्स पॉप्ड आउट। हर्निया जो लोगों को होता है उनको इस तरह की हिस्ट्री भी देते हैं कि हमने ये वजन उठाया और सडनली हर्निया में मूवमेंट फील करना कि इट्स मूविंग लाइक दिस, अर्थवर्म नहीं मूव करता ऐसे ऐसे करके। वो बीच के जो पेट में हर्नियाज होते हैं वेंट्रल हर्नियाज कहते हैं, उनमें लोगों को हो सकता है जब बड़ा उसका नेक हो। अम्बिलिकल हर्निया में ऐसा फील होता है? पैराम्बिलिकल हर्निया में, पैराम्बिलिकल हर्निया में, बिकॉज़ देयर समबडी आई नो वो कहते हैं कि उनको उनके हर्निया में मूवमेंट फील होती है। तो उसका बहुत आसान है, तो लेप्रोस्कोप से जो करते हैं जो कैमरे की मदद से, तो उसमें तो रिकवरी बहुत अच्छी है, कोई उसमें वेरी गुड प्रोसीजर, वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर स्ट्रैंगुलेटेड और अनस्ट्रैंगुलेटेड हर्नियास के। किन सिचुएशन में हम लोग को हर्निया को फॉरन ट्रीट करना पड़ता है, कब हम छोड़ सकते हैं? अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी छोटा सा हर्निया है तो ठीक है, बस पालते रहते हैं उसको। जो छोटे हर्निया होते हैं उनमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फंसने से मुराद ये है कि अगर एक ये सुराख है जिसमें से आंत निकल के बाहर आ गई है तो शायद इतना छोटा है कि वो वापस ना जा सके, वापस ना जा सके एग्जैक्टली, या सूजन उसमें हो गई क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हुई, फूल गया जब वापस नहीं जा रहा, वापस नहीं जाएगा। तो जो छोटे हर्नियाज होते हैं वो जिनकी नेक छोटी होती है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बनस्पत वो हर्निया जो बहुत बड़े बड़े जिनके बड़े नेक हो। इट्स नॉट द साइज ऑफ द हर्निया इटसेल्फ, जो नेक है बेसिकली जहाँ से वो निकल के आ रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो हर्निया बाहर गया और नेक ने अपने आप को उसके अराउंड में इतना कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया जी, सूजन की वजह से हो जाता है, फिर वो स्ट्रैंगुलेट कर जाता है। उसमें ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो कि ख़त्म हो जाती है, शदीद आदमी को दर्द होता है उस स्वेलिंग में, उस लंप में जिसको आप कह रही, शदीद दर्द होता है, अर्जेंट सर्जरी। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूं, अल्लाह कितने सवाल करती हूं मैं डॉक्टर साहब। ये जो सूजन आई है ये ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से आई है या इन्फेक्शन की वजह से? ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से आई है। ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा होगा वेन्स में प्रेशर कम होता है, पहले वेन्स बंद हो जाती हैं, आर्टरी से खून आता रहता है, हाँ तो वो सूज जाता है, हाँ तो वापस नहीं जाता। तो जब शदीद दर्द होता है वो सूजन में दर्द होता है, दैट इज़ अ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, और अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है। कभी कभी ये होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म नहीं होती लेकिन बस वो आगे फंस गया है, तो आदमी का फिर पेट में उसको दर्द होगा, पेट फूलेगा, जैसे आंतें बंद हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। तो ये दो तीन कस्में, लेकिन हर्निया पालना नहीं चाहिए जी कोई बीमारी भी, क्योंकि अगर ये अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं लोग जो कई सालों से लिए होते हैं, और जब उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जब मज़ीद बीमारियां उनको हो चुकी होती हैं, लाइक मर्दों में प्रोस्टेट बढ़ चुका होता है या खांसी ज़्यादा हो रही होती है, फिर वो ऑपरेशन कराते हैं, तो यकीन उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हो पाते जितने उस वक्त किया जाए जब आदमी फिट हो। गॉट द पॉइंट? अगर एक आदमी का हम 70 ईयर्स में ऑपरेट कर रहे हैं जिसका प्रोस्टेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको पेशाब करते वक्त जोर लगाना पड़ता है, तो उसको प्रॉबिलिटी हर्निया दोबारा होने की ज़्यादा है इवन आफ्टर मैश रिपेयर, बनस्पत अगर वो 10 साल पहले ऑपरेशन करा लेता है। ओके डॉक्टर साहब, अगर कोई जनरल एनेस्थीसिया में ना जा सकता हो तो वो तो कमर से भी सुन कर सकते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया है, लोकल में भी छोटे हर्निया लोकल में ले नहीं सकता हूं, उसी कंडीशन लोकल एनेस्थीसिया लोकल इंग्वाइनल हर्निया जो अभी आपने दिखाया था आपने सेगमेंट,
वो तो लोकल में आराम से हो सकता है अगर छोटे हैं तो, बहुत बड़े ना। अच्छा ठीक है, वो भी हो गया। अब डॉक्टर साहब अब मुझे बताइए कि हर्निया के पेशेंट को कैसे पता चलता है, उसके साथ क्या एबनॉर्मल हो रहा होगा, उसको क्या फील हो रहा होगा? ही विल फील लाइक अ ड्रैगिंग पेन्स, ही इज कैरिंग सम ड्रैग कर रहा है, कुछ वजन कैरी कर रहा है, या सूजन नजर आएगी कि कुछ वर्म सा है यहाँ पे। क्या क्या वजन कैसे कैरी कर रहा है मतलब? अक्सर लोगों के पेट में जैसे होता है। अच्छा। तो उनको लगेगा यहाँ कुछ बल्ज है, दर्द होता है एक मुकाम पे, या उसको लगेगा कि यहाँ पे कोई सूजन सी हो गई है, या उसको लगेगा एक वजन कैरिंग सम वेट, लाइक ड्रैग कर रहा है, कुछ खींच रहा है, खिंचाव का सा पेन होगा उसको। जो आंतें जब फंस आ जाती है अंदर तो अपने साथ नर्व सप्लाई भी लेकर आती है ना, तो खिंचाव वाला पेन भी होता है। लेकिन स्वेलिंग नजर आती है, स्वेलिंग हैज़ टू बी देयर। बहुत मोटे लोगों में ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना फैट होता है कि छोटा हर्निया ज़रा मुश्किल से नज़र आता है, वरना क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 100% मालूम हो जाता है। अच्छा सर, ये नाफ टलना जो एक टर्म यूज़ की जाती है, बिल्कुल कही जाती है सही, लोग कहते हैं ओहो उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसकी नाफ टल गई होगी, चलो चलो मैं मसाज कर देता हूँ अभी ठीक हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या वो यूँ 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 उसके साथ करते हैं और पेशेंट खड़ा हो रहा था, हाँ हमारे एक ठीक हो गया। टेक्नीशियन है जी, उसके तो उसका तो ये है कि वो बाकायदा कोई शायद मेजरिंग तरीका होता है कि आप एक निपल से उसको नापते हैं और ये प्रूफ करता है वो कि ये वाकई हट जाती है अपनी जगह से। तो कहता है ये क्या है डॉक्टर मुझे साहब? नहीं पता जी क्या है, लेकिन ये है कि मैं दो जिनको ऑपरेट किया है उनमें इन मरीजों में दो चीज़ें निकलती हैं, या तो एक छोटा सा हर्निया होता है जो नॉर्मली अम्लाइकल हर्निया जो नज़र नहीं आ रहा होता है, बहुत छोटा सा होता है चूँकि वो, और वो मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी नेक अगर छोटी होगी उसमें शदीद दर्द भी होगा और खिंचाव वाला दर्द होगा। तो जिनको ऑपरेट हमने किया जिन मरीज़ों को, उनमें या तो ये छोटा सा हर्निया निकला है, बहुत छोटा सा, या उनमें ये निकला है कि एक 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 डेवलपमेंटल होता है मिकल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं जी, जो जो आंतों में जब उसका एक कम्युनिकेट कर रहा होता है अम्लाके से, जो जो माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसमें उसे गज़ा उसके ज़रिए जाती है, वो कॉर्ड जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है, तो उसके गिर्द आंत बल खा के फंस जाती है, तो वो चीज़ ड्रैग करती है नाफ को। तो दो कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है मेरे पास, कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने मरीज़ देखे जो ऑपरेट के एक्सपीरियंस है उनमें ये देखा ये दो चीज़ें अक्सर नज़र आईं। अच्छा। या तो अम्लाकल हर्निया छोटा सा था, या ये उनमें ये एक कॉर्ड थी जो इसको वेटरोइनोसाइनल डक्ट हम कहते हैं कॉर्ड, उसके गिर्द बल खा गई थी यहाँ जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। तो इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं सायरा बात कर रही हूँ अटक से। जी सायरा कैसी हैं? जो आपका है मतलब सेगमेंट है उसके बारे में तो मेरा मसला नहीं है, लेकिन ये एक और है जिसकी वजह से मैं बात करना चाह रही हूँ। अच्छा कर लें, कोई मसला नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं मेरी एज जो है वो 29 है और मेरे दो बच्चे हैं, और ये जो है ना मेरा मसला है कि मैं टेस्ट वगैरह करवाती हूँ वो सारे क्लियर है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द रहती है, मैं एकदम से चल नहीं पाती, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, और मेरा वेट भी मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा कैरी किया छोटे बच्चे के बाद, और मेरा 76 पे चला गया है, और उसके अलावा ये है कि मतलब अगर मैं इसको लूज करना चाहूँ डाइट करूँ या वॉक करूँ तो मेरे टांगों में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मैं मतलब आगे चल ही नहीं पाती 2-3 मिनट के बाद। अच्छा सारा सिर्फ एक बात मुझे बताइएगा, ये जो आपके टांगों का दर्द है ये सुबह सुबह जो होता है आपको तो इसके बाद ये ठीक हो जाता है जब आप मैं आपको पुश करती हैं बेड से उठा लेती हैं कामों में गर्म होती हूँ, थोड़ी गर्म होती है टांगे मतलब चलती हूँ थोड़ा चल के तो कुछ मतलब सही होता है, फिर अगर मैं बैठती हूँ फिर उठती हूँ चलती हूँ फिर ये वही मसला होता है। आपने कभी अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराया है? विटामिन डी का लेवल आपके ब्लड में विटामिन डी का कितना लेवल है चेक कराया है? नहीं विटामिन डी का लेवल नहीं चेक कराया। कितना अर्सा हो गया कि आपको ये टांगों में दर्द हो रहा है? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आपकी टांगों में इसी तरह दर्द हो रहा है रोजाना सुबह? पूरे पैरों में है या सिर्फ फुट में तलवे में? मतलब सिर्फ पाँव के तलवों में है या पूरी टांग में है? ये जो ये पाँव से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है घुटने से नीचे वाला, घुटने से नीचे बस। अच्छा इस एरिया
टिपिकल है। अच्छा जी चले। अच्छा आपको इस तरह दर्द होता है? शिकायत तो नहीं रहती कमर में दर्द की? शिकायत कमर में दर्द होता है आपके? बहुत ज्यादा। और ये शोल्डर जो यहाँ इस जगह पर, ये मतलब पीछे जो है ना, गर्दन से नीचे, गर्दन से लेके नीचे कमर तक होता है। ओहो ओके चले जी ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आपको? ये जब आप झुकती हैं या खड़ी होती हैं तो दर्द बढ़ जाता है, या स्ट्रेट लेट के पैर ऊपर उठाती हैं तो दर्द बढ़ता है क्या? जी दर्द ऐसा है कि मैं मतलब जब सुबह उठती हूँ ना बैठते, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कमर जो है वो बस बहुत मुश्किल से मैं उठती। ठीक चले जी, हमें समझ में आ गया जी, हमें नहीं डॉक्टर साहब को समझ में आ गया कुछ। हम थैंक यू सो मच फॉर कॉल, हम आपको बता रहे हैं ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल डॉक्टर साहब। एक ब्रेक के बाद इनका आंसर देते हैं ठीक है जी। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, वेल फॉर राइट बैक।